सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए मैं आप लोग को जहाँ तक मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैसे वेरीफाई करते हैं स्टूडेंट आईडी, कैसे वेरीफाई करते हैं ऑटोडेस्क पे, और वेरीफिकेशन के बाद कैसे आप डाउनलोड करेंगे सॉफ्टवेयर ऑटो कैट 2021 या 2021 कैसे आप डाउनलोड करना है और कैसे उसमें साइन इन करके आपको एक साल का फ्री में लाइसेंस मिल जाएगा, वो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए पिछला वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप लोग जरूर से जरूर देख ले, आपको पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पे हम लोग वेरीफिकेशन करते हैं। और ज़्यादा 5 मिनट बस लगता है, 5 मिनट क्या 2 मिनट में मेरा वेरीफाई हो गया था। आपको बस स्टूडेंट आईडी कार्ड डालना है, वेरीफाई हो जाएगा। कैसे करना है पूरा प्रोसेस अपलोडेड है हमारे चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब आपको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर, किस लिंक से करना है, क्या करना है, उस पर बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको गूगल पर सर्च करना ऑटो कैड स्टूडेंट, ओके? क्या सर्च करना है? ऑटो कैड स्टूडेंट। जैसे ही आप लोग ऑटो कैड स्टूडेंट सर्च करोगे आपके सामने सबसे पहला आएगा यहाँ पे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में यही लिंक खोला था, उसी लिंक को आपको दोबारा खोलना है यहाँ पे। तो चलिए दोबारा इस लिंक को हम लोग खोल लेते हैं। तो जैसे ही आप लोग ये लिंक को खोलोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, मैं आपको सब चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, और कैसे इंस्टॉल होगा कैसे सब चीज़ मैं इसी वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे करोगे आपको यहाँ पे थोड़ा देर पेज लोडिंग होने में लगेगा, थोड़ा सा लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ लोडिंग हो रहा है। उसका लॉगिन अपने आप ले लेगा, अगर नहीं लॉगिन ले लेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है मैं बता दूँ, सारी चीज़ बता दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको करना है साइन इन पे क्लिक, ओके? साइन इन पे क्लिक करके आपको ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। ऐसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है पिछला बार, इस बार लॉगिन अपने आप ले लेगा। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा लॉगिन यहाँ पे ले चुका है, जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एस के सौरभ कुमार से हमने किया था, तो यहाँ पे एस के देखिए आप लोग लॉगिन हो चुका है। तो अब क्या करना है आप लोग को मैं बता देता हूँ आपको। अब आपको नीचे जाना है, इसी पेज में आपको जाना है नीचे, और यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे ऑटो कैड यहाँ पे मिल गया आपको। यहाँ जितना भी सॉफ्टवेयर है ऑटोडेस्क के, ये पेज आई थिंक अच्छे से लोड नहीं हुआ है, ये पेज अच्छे से लोड नहीं हुआ है, एक बार और रीलोड मैं कर देता हूँ। यही प्रॉब्लम है थोड़ा इसका, थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको करेगा, बट यहाँ पे आपको रीलोड करना है, ये साइट पूरी तरीके से खुल जाएगा, आपको लोगो यहाँ दिखने लगेगा, तब समझिएगा आप ये साइट पूरी तरीके से खुल चुका है। उसके बाद आप मैं बता, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जो भी नाम से आपने रजिस्टर किया है, हाय सौरभ जैसे यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे जैसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपका नीचे लिखा जाएगा कि योर एजुकेशनल एक्सेस टू ऑटो कैड इज़ वैलिड थ्रू, आपका कब तक वैलिड है। मैंने जैसे बताया था कि एक साल के लिए आपको फ्री में मिलेगा, तो यहाँ पे 10 मई 2022, ये आप यहाँ देख सकते हो 10 मई 2022 का है यहाँ पे फ्री में, ओके? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है आपको मैंने बताया, तो यहाँ पे ऑटो कैड नीचे आपको मिल जाएगा, और हालांकि इसका लोगो नहीं आया, इसका मतलब ये पेज फिर से लॉग नहीं हुआ है अच्छे से। तो चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। इसके बाद आपको करना है गेट प्रोडक्ट पे क्लिक, क्या करना है? हाँ, अब हो चुका है गेट प्रोडक्ट पे। आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पूछा जाएगा आपको विंडो क्लिक करना है या मैक क्लिक करना है, तो आपको विंडो सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपने विंडो आपका पीसी है 2022 वर्जन करना है या 2021, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या करना है, 2022 ही करोगे, सबसे लेटेस्ट। और अगर आपके टीचर जो भी आपको पढ़ा रहे हैं वो कुछ स्पेसिफाइड वर्जन, क्योंकि जैसे हमारे टीचर 2014 का यूज करते हैं, तो अगर कोई टीचर कुछ उससे पहले वाला वर्जन यूज कर रहा है तो आपको इस रिकमेंड करेगा वही, क्योंकि उसे अच्छा नॉलेज है उस चीज़ का, हो सकता है कुछ कुछ न्यू चीज़ें टूल्स वूल्स आती है, तो इसलिए आप लोग उस कोई भी वर्जन यहाँ डाउनलोड कर सकते हो 2019 तक, यहाँ पिछले 4 साल का, ठीक है? तो आपको यहाँ पे मैं 2020 सेलेक्ट कर लेता हूँ। और लैंग्वेज आप कौन से लैंग्वेज में आपको यूज करना है ऑटोकैड, आप लोग इंग्लिश ही रहने दीजिएगा, और आपका जैसे ही यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा उसका इंस्टॉल कर लीजिएगा 2021। इंस्टॉल पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल के बगल में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे होगा इंस्टॉल और डाउनलोड, ठीक है? तो आपको करना है डाउनलोड पे क्लिक, ठीक है? आप लोग इंस्टॉल पे नहीं कीजिएगा, आप लोग डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। तो मैनुअली मैं आपको सब चीज़ बता देता हूँ ना, तो आप लोग जैसे ही डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा डाउनलोडिंग स्टार्ट, देख सकते हैं आप लोग यहाँ हो चुका है हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं इसको पाउज कर लेता हूँ, आप लोग इसको पूरी तरीके से डाउनलोड होने दीजिएगा, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोडिंग हो चुका है स्टार्ट हमारा फाइल, 1.7 GB का ये फाइल है हमारा। तो आपको यहाँ पे डेटा का जरूरत पड़ेगा, अप्रॉक्स 2 GB का डेटा जरूरत पड़ेगा, तो आप लोग अच्छे से इसे बचा के रखना डेटा, और 1.7 GB का ये फाइल है, आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद मैं बताता हूँ डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, ठीक है? ओके, चलिए। तो जैसे ही मैंने, मेरा सिस्टम में तो अभी इंस्टॉल है, जैसे ही आपका डाउनलोड होगा आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल के, अपने फाइल के यहाँ पे
डाउनलोड सेक्शन में जाना है। मैं आपको बता देता हूँ आप लोग कैसे कैसे इंस्टॉल करोगे, ये बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कोई लेंदी प्रोसेस है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाओगे, जैसे ही आप लोग डाउनलोड सेक्शन में जाओगे यहाँ पे आपको, जैसे मेरा अनकन्फर्म है यानी कि ये पाउज है तो इसलिए अनकन्फर्म है, यहाँ पे आपको ये सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। इस सेटअप पे आपको डबल क्लिक करना है, आपको कुछ परमिशन यस वस, जैसे आप एंड्रॉयड में कोई एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, इतना समझाने की जरूरत है नहीं, आप लोग इंजीनियर हैं, तो उसे खोल के आपको नेक्स्ट करके रन करके आपको उसे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप लोग जैसे ही इंस्टॉल होगा आपका, वो इंस्टॉल होने के बाद आपको होम स्क्रीन पे ये आ जाएगा ऑटो कैड 2021, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आपको यहाँ पे होम स्क्रीन पे मेरे है। तो अब आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है इस ऐप में, एक साल का आपका बेनिफिट उठाने के लिए आपको लॉगिन करना है इसमें, ठीक है। आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है हमारा ऑटो कैड यहाँ पे आ चुका है, तो इस ऑटो कैड को हम लोग यहाँ पे करेंगे लॉगिन। तो यहाँ पे चलिए करते हैं हम लोग लॉगिन इस ऑटो कैड को, तो यहाँ पे ऑटो कैड को हम लोग पहले ओपन करते हैं। जैसे आप लोग ऑटो कैड ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और ये ओपन होना चालू हो जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं मैं 2021 का वर्जन है, तो कोई इशू नहीं है, सब में सेम ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, थोड़ा मोटा डिफरेंस होता है जो कि माइनर है। चलिए, और आपको ट्यूटोरियल अगर चाहिए ऑटोडेस्क ऑटो कैड का, तो आप लोग कमेंट करें, आपको ट्यूटोरियल मैं दूंगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, खुल रहा है ये। आप देखिए, आपके एक चीज और मैं बता चुका हूँ, आपके पीसी के स्पेसिफिकेशन पे ये डिपेंड करेगा कि कितना टाइम लेगा ये खुलने में, कैसा रन करेगा। 64 बिट आपका पीसी होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। दूसरी बात, आपका रैम अच्छा होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 6 GB रैम आपका होना चाहिए ऑटोकैड अच्छे से रन करने के लिए, ठीक है। अगर 8 GB रैम है तो बहुत अच्छा है, कम से कम 6 GB रैम चाहिए, ओके। और इंटरनल स्टोरेज में आपका काफ़ी ज़्यादा जगह रहना चाहिए, अप्रॉक्स आई थिंक कम से कम 128 GB का SSD तो होना, SSD नहीं रहेगा SSD भी, कम से कम 128 GB स्पेस चाहिए होता है तो करना रहेगा। तो यहाँ पे मेरा पहले से एक अकाउंट लॉगिन है इसमें, तो इसको मैं साइन आउट कर देता हूँ, ओके। तो साइन आउट कर देता हूँ, ये साइन आउट हो रहा है। उसके बाद हम लोग करेंगे लॉगिन, जो न्यू अकाउंट हमने यहाँ पे किया है क्रिएट। तो समझ में आ गया कैसे डाउनलोड हुआ, कैसे इंस्टॉल हुआ। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे इसे लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे कंटिन्यू वर्किंग, हाँ यहाँ पे हो गया है साइन इन। अब आपको जब खोलेगा तो आपको बोलेगा साइन इन करने के लिए, अगर नहीं बोला गया तो यहाँ पे आपको साइन इन ऑप्शन है, आपको इस पर करना है क्लिक, आप लोग देख सकते हैं। अब इस साइन इन पे क्लिक करके आपको डालना है अपना ईमेल और पासवर्ड, समझ आ गया आपको क्या डालना है, ईमेल और पासवर्ड। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक, तो ईमेल साइन इन पे क्लिक कर लिया हमने, साइन इन टू ऑटोडेस्क अकाउंट। अब आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे मांगा जाएगा आपको ईमेल आपका, तो मैं आपके साथ लाइव में यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, आपको OTP आएगा फोन पे, OTP आपको डालना है। मैं वेट करता हूँ OTP, बस आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता OTP आने में। डोंट नो मेरे में क्यों टाइम लग रहा है अभी, मैं अभी तक 2-3 बार मैंने किया है, तुरंत OTP आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ रिसेंट करते हैं हम लोग OTP, थोड़ा नेटवर्क इशू है आई थिंक, डेट्स वाई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई इशू नहीं है। हाँ आ गया हमारा OTP, तो चलिए OTP हम लोग एंटर करते हैं यहाँ पे, 3796888 आपके नंबर पे OTP आएगा, आप लोग यहाँ पे OTP डाल के एंटर कोड कर दीजिएगा और यहाँ पे ये हो गया आपका साइन इन कंप्लीट। तो आप जैसे ही आपका साइन इन कंप्लीट होगा यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ पे आप अकाउंट डिटेल में जब क्लिक करोगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपका कब तक वैलिड है आपका सब चीज़ लिखा जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है सौरभ कुमार ईमेल और ऑटोडेस्क ID, तो समझ में आ गया। यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो और ये हो गया आपका ऑटोकैड इंस्टॉल पूरी तरीके से, एक साल के लिए प्रोडक्ट लाइसेंस पूरी तरीके से हो गया ये कंप्लीट, ओके। समझ में आया आप लोग को। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग अब एक मैं आपको सैंपल खोल के दिखाता हूँ कैसे आपको ड्राइंग स्टार्ट करना है। तो जब भी आपको ड्राइंग स्टार्ट करना हो तो आप लोग स्टार्ट ड्राइंग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे एक न्यू पेज आपको खुल जाएगा जिसपे यहाँ पे ये है ऑटो कैड का पेज। तो आपको यहाँ पे आप लोग लाइन वाइन जो भी है ड्रॉ कर सकते हैं, उसका ट्यूटोरियल मैं आप डालूंगा, तो आप लोग यहाँ से कुछ भी चीज़ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। समझ में आ गया आप लोग को कैसे क्या करना है,
तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ गया होगा और आप लोग सीख लिए होंगे कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे लाइसेंस पाया जाता है, और फ्री है ये बिल्कुल, एक भी कॉस्ट आपको नहीं लगा, आपको फ्री में एक साल के लिए मिल गया होगा आई थिंक। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच। एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियर ऑलवेज आपके साथ हैं।